नमस्ते पीपल, दिस सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला था 2019 का, बट एक्चुअली सेकंड वीडियो है क्योंकि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने आप लोगों के साथ काफी सारी बातें की है, कुछ मिनट तक कुछ अपने दिल की बातें आप लोगों को बताई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे जाइए, उसको क्लिक कीजिए, उस वीडियो को देखिए, पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। जहां तक बात होती है इस वीडियो की, मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में सिंगापुर एंड मलेशिया टूर की 7 दिनों के लिए। तो देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में। जो ये 7 दिन का पैकेज है सिंगापुर एंड मलेशिया का, ये थ्रियोफिलिया प्रोवाइड करवा रही है। जो इसका प्राइस है पर पर्सन वो है 43,750 इंडियन रुपीज, 43,000-44,000 का मान लीजिए एक बंदे के लिए। और इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको मील इंक्लूड है, अकोमोडेशन इंक्लूड है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड है, एक्टिविटीज इंक्लूड है। अब ये लोग आपको वीजा के लिए हेल्प करेंगे। उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले आप वहां पर पहुंचेंगे कैसे, फ्लाइट के लिए आप खुद को पे करना पड़ेगा, आपकी फ्लाइट की जो टिकट्स है वो आपको खुद को करनी पड़ेगी अगेन। तो अगर आप उसमें फ्लाइट मिला लेंगे जो 20,000 रुपए के आसपास पर पर्सन होगी, तो आपका 50-55,000 या एक्चुअली 60,000 तक तो कहीं नहीं गया पर पर्सन, आराम से आप देख लीजिए। वो भी एक साइड का आने जाना, अगेन वो आप पे डिपेंड करता है। आपको सस्ती टिकट मिलेगी तो अच्छी बात है, महंगी मिलेगी तो फिर क्या कर सकते हैं। इसके अलावा ये 43,000 में आपको पूरा टूर मिलेगा, फ्लाइट्स नहीं मिलेगी। अब ये टूर मैंने चूज इसलिए किया है क्योंकि 44,000 में ये लोग काफी सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं जो दूसरी वेबसाइट प्रोवाइड नहीं करवा रही थी। तो आप लोगों के लिए अच्छा सोचा है मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले। अब बात कर लेते हैं इनका जो पूरा पैकेज है वो किस प्रकार है, आज की आइटनरी क्या है, ये 7 दिन में क्या क्या चीजें आपको दिखाने वाले हैं। पहले दिन की आइटनरी में आप जब लोग सिंगापुर पहुंचेंगे इमिग्रेशन के बाद आप इनके एजेंट से मिलेंगे। ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट करने के बाद वो आपको सिटी टूर में ले जाएंगे जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट और जो भी मेन मेन साइट्स है सिंगापुर की वो आपको दिखाई जाएगी। उसके बाद ये लोग आपको आपके होटल में ले जाएंगे जहां पे आप रेस्ट कर सकते हैं रात को। पहले दिन या आपको दिन में तो सिटी टूर कर लेंगे, रेस्ट करेंगे होटल में। उसके बाद ये आपको नाइट सफारी पे ले जाएंगे। नाइट सफारी सिंगापुर की दोस्तों काफी मशहूर है, जहां पे आप 100 से ज्यादा नॉक्टर्नल स्पीशीज देख सकते हैं एनिमल्स की, जो शायद किसी और कंट्री में थोड़ा देखना मुश्किल हो जाएगा, पर सिंगापुर की काफी मशहूर ये नाइट सफारी है, तो जो कि आपको ऑफकोर्स करनी चाहिए। सेकेंड डे में सिंगापुर के ये लोग आपको कहीं पर भी नहीं ले जा रहे हैं। एक्चुअली इसका कहने का मतलब ये है, अगर आपको सेकेंड डे ये आपको फुल फ्री दे रहे हैं जिसमें आप सिंगापुर से शॉपिंग कर सकते हैं, आपके मन मुताबिक आपको जहां पर भी जाना है आप घूम सकते हैं, तो सेकेंड डे ये आपके लिए फुल फ्री है। जहां तक बात आती है थर्ड डे की, थर्ड डे में आपको सेंटोसा आइलैंड पे ले जाएंगे जहां पे आप सनसेट देख सकते हैं। अब सिंगापुर के पास में जो सेंटोसा आइलैंड है वो काफी मशहूर है, टूरिस्ट काफी जगह से आते हैं, अलग अलग जगह से शॉपिंग करने के लिए एकदम हेवन है, देखने के लिए फोटोज क्लिक करने के लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है सेंटोसा आइलैंड। सेंटोसा आइलैंड में आपको काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, वेज नॉन वेज, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्टेड है तो आप सेंटोसा आइलैंड में उसका लुफ्त उठा सकते हैं। यहाँ पे खूबसूरत एक्वेरियम्स भी हैं, तो आप ऑफकोर्स एक्वेरियम में जाए, ऑफकोर्स जाना ही चाहिए अगर आप सिंगापुर में सेंटोसा आइलैंड में गए हैं तो, एक्वेरियम इज मस्ट। ये 3 दिन की ट्रिप थी आपकी सिंगापुर की। चौथे दिन आप वापस जाएंगे मलेशिया, वापस मतलब फर्स्ट टाइम जाएंगे मलेशिया। फोर्थ डे में जब आप सिंगापुर से मलेशिया जाएंगे वहां की कैपिटल कुआलालंपुर में, तो इन रूट आपको वहां पे पुत्राजया लेक पे ले जाया जाएगा, आपको मॉस्क दिखाई जाएगी, फुल एडमिनिस्ट्रेशन जो उनका ब्लॉक है एक बिल्डिंग से कुआलालंपुर की इन रूट जो बीच रास्ते में आपको पड़ेगी वो सब चीजें आपको दिखाई जाएंगी। तो पहला दिन आपका कुआलालंपुर पहुंचने से पहले आप ये सब चीजें देख सकते हैं। और जब आप कुआलालंपुर रात को पहुंचेंगे तो आप वहां पर होटल में रेस्ट कर सकते हैं और अपनी नेक्स्ट डे की तैयारी कर सकते हैं। पांचवा दिन कुआलालंपुर का टूर है जहां पे आपको ये बाटू केव्स में ले जाएंगे। कुआलालंपुर की काफी मशहूर मशहूर जो बिल्डिंग्स है पेंटोरा टावर्स और जो मेन मॉस्क है जो फुल एक जहां पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं उन सब जगह पे आपको घुमाया जाएगा। फुल सिटी टूर होगा आपका पांचवें दिन पे, तो आप कुआलालंपुर फिफ्थ डे पे अच्छे से घूम सकते हैं। अकेले घूमना था अकेले घूम सकते हैं, शॉपिंग करना था शॉपिंग कर सकते हैं, अपने एजेंट के साथ ट्रेवल गाइड के साथ घूमना था वो भी घूम सकते हैं। ट्रिप के 6th डे पे ये आपको कुआलालंपुर के और भी मशहूर जगहों पे ले जाएंगे। हाफ डे सिटी टूर होगा जिसमें आपको नेशनल म्यूजियम दिखाई जाएगी, इनके गार्डन पार्क देखा जाएगा और भी जहाँ पे जो टूरिस्ट जगह जो पिछले दिन में बच गई थी वो सारी जगह यहाँ पे कवर की जाएंगी, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो आपको 6 दिन में सिंगापुर और मलेशिया की मेन दो सिटीज पे, सिंगापुर तो छोटा सा है, कुआलालंपुर मलेशिया का एक अच्छे से घुमा दिया जाएगा। 7th डे पे अगेन आप वापस इंडिया आ सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं आपके स्टेज की। 3 दिन आप सिंगापुर में रुकेंगे, 1 दिन आपको गैटिंग हाईलैंड पे रुकने के लिए मिलेगा और 2 दिन आप कुआलालंपुर में रुकेंगे। ऐसे करके आपकी 6 रातें पूरी हो जाएंगी। 7वें दिन आप वापस आ जाएंगे। जहां तक बात होती है मील्स की, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये सब आपको ब्रेकफास्ट देंगे, यानी कि लंच डिनर आपका खुद का होगा, आपके खुद के ऊपर होगा। अगर आपको और भी इनसे क्वेरी है तो ऑफकोर्स आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। आप उनसे पूछ सकते हैं कि मील्स में खाली ब्रेकफास्ट है कि लंच या डिनर है। जहां तक बात होती है, इनकी वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि खाली ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करवाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और सेकेंडरी, अगर आपके पास ज्यादा बच्चे हैं, मान लीजिए आप 2-3 फैमिली एक साथ जा रहे हैं अपने दोस्तों फैमिली के साथ में, तो यहाँ पर लिमिट है बच्चों को एक साथ ले जाने की। यानी अगर आपके साथ कुछ छोटे बच्चे हैं तो शायद ये एक्स्ट्रा चार्ज करें। मान लीजिए आपके पास 2 की इनकी वैलिडिटी है, आपके पास 3-4 है, तो ये आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि इनकी कार में स्पेस जो आप ट्रेवलर में आपको जिसमें घुमाएंगे उसमें स्पेसिफिक सीट्स होंगी जो पहले से बुक होंगी दूसरे लोगों के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जाने से पहले एक बार इनसे बात कर लें, अगर आपके पास ज्यादा लोग हैं तो। आपको इस ट्रिप में जो पूरी एक्टिविटीज करने के लिए मिल रही है वो है साइट सींग, आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन आपको ऑफकोर्स ये आपके पैकेज में है, साइट सींग हो गई, नाइट सफारी हो गई, उसके बाद आप जब यहाँ पे जाएंगे सिंगापुर सिटी टूर पे, देन आप जाएंगे सेंटोसा आइलैंड के टूर पे, जिसमें आप केबल राइड भी कर सकते हैं। केबल कार जो होती है आप उसमें राइड करने का आपको मिलेगा, ये आपके पैकेज में है। देन आप बाटू केव्स में जाएंगे, जहाँ पे 20 मिनट का हॉल्ट है, जहाँ पे आप जितनी चाहे मर्जी अपने लिए पिक्चर्स ले सकते हैं। अगर आप ये टूर बुक करते हैं और किसी वजह से आप नहीं जा पाते हैं, तो इनकी कैंसिलेशन पॉलिसी अभी से पढ़ लें बुक करने से पहले। जैसे कि अगर आप कुछ 15 दिन पहले बुक कैंसिल करेंगे तो आपको सिर्फ 25% आप इसका अमाउंट मिलेगा। तो बुक करने से पहले ये पॉलिसीज पढ़ लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।